देखिए, ये आज जो मीटिंग थी वो सभी जिलों के एसपी और रेंज के डीआईजी के साथ साथ जो भारत सरकार की फोर्सेज यहाँ पर हैं, सीआरपीएफ, एसएसबी और एमएचए के पदाधिकारियों के साथ ये बैठक की गई। ये पहली बड़े स्तर की समीक्षात्मक बैठक थी। चूँकि आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है, तो कई बार ये हमारी कोशिश रहती है कि दूर दराज जिलों के एसपी को यहाँ बुलाने की बजाय और उनका समय और जाया करने के और इसके बजाय उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात की जाए। लेकिन ये पहली ये जरूरत थी जहाँ डिटेल में बातें की जानी थी, इसलिए समीक्षात्मक बैठक थी। इसमें जो मुख्य मुद्दे डिस्कशन के लिए थे वो सबसे पहले तो जो नक्सल के खिलाफ जो अभियान चल रहा है वो था, उसके विभिन्न आयामों पर चर्चा की गई, उनकी क्या स्थिति है और ज़्यादा जल्दी से जल्दी उनके खिलाफ कैसी कार्रवाई की जा सकती है। तो सबसे पहला तो नक्सल था जिस पर डिटेल में चर्चा हुई, और इसमें सभी प्रभावित जिलों के पुलिस अधीक्षकों ने, उनके वरीय पदाधिकारियों ने और हमारे यहाँ से अभियान डायरेक्टरेट के पदाधिकारियों ने और आसूचना एकत्रित करने वाली एजेंसीज ने उसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया। उसके अलावा हमने ये कहा है कि चूंकि अब नक्सल अपने अंतिम पड़ाव पर है, इसलिए हम लोगों को अब आवश्यकता है कि जो एंटी क्राइम जो ऑपरेशंस हैं उन पे भी हम लोगों को अपने रिसोर्सेज और अपने ध्यान देना चाहिए, उनको भी अपनी प्राथमिकता में डालनी चाहिए, उसको बनानी चाहिए। तो ये बटन स्विच ऑन स्विच ऑफ करने टाइप की चीज़ नहीं है, आदतों में सुधार लाना या अपने व्यक्तित्व में इस मुद्दे पर निखार लाना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके बारे में कम से कम उनको बताया जाए कि ये वक्त की ज़रूरत है। हम 21वीं शताब्दी में हैं, हम किसी कॉलोनियल पावर के प्रतिनिधि नहीं, हम सेवक हैं। तो वो सेवक का भाव बातचीत में और काम करने में भी आना चाहिए। 2500 नए सब इंस्पेक्टर्स ने योगदान दिया है, उनको अगर हम लोग उनको अच्छे से उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं, और हम जब अच्छे से इस्तेमाल करना करेंगे उनका, तो वो एक्चुअली में पुलिसिंग के लिए गेम चेंजर होंगे। मेरा वर्षों का ये अनुभव रहा है कि फौज की ज़्यादा बड़ी तादाद करने से बेहतर है कि अच्छे नेतृत्व की बड़ी तादाद तैयार की जाए। और इसीलिए जिन हमारे भूतपूर्व पुलिस महानिदेशक महोदय का यह निर्णय था, उस समय के सरकार का निर्णय था और अभी जो वर्तमान सरकार है इसका निर्णय था, और ये बहुत अच्छा निर्णय, हमें बड़ी तादाद में अवसर मिले। तो मैंने पुलिस अधीक्षकों को कहा है कि इनको इस तरह से तैयार किया जाए कि अगले आने वाले 2-3 दशकों तक ये बेहतरीन पुलिस ऑफिसर बन सकें। ये बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आए हैं, लगभग 550 इसमें इंजीनियर्स हैं, ये बहुत साफ और पारदर्शी तरीके से बहाल हुए हैं, इन्हें बेहतरीन राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग दी गई है, वहाँ भी पारदर्शिता रखी गई है। मैं आपको बता सकता हूँ इस कॉन्फ्रेंस में कि लगभग 55,000 कॉपियाँ चेक की गई, न कहीं प्रश्न पत्र लीक आउट हुए, न कहीं इस बात की बात हुई कि वो परीक्षा में किसी ने कदाचार करके पास आउट कर लिया। तो उनको बेहतरीन ट्रेनिंग दी गई। तो जब नियुक्ति पारदर्शी तरीके से हुई, ट्रेनिंग पारदर्शी तरीके से हुई, तो अब ये हमारे पुलिस अधीक्षक महोदयों की जिम्मेदारी बनती है कि इनका बेहतरीन से बेहतरीन इस्तेमाल आने वाले दशकों के लिए किया जाए, उनको तैयार किया जाए।